असम गाइस मैं वही दौर आप देख रहे हैं ऑल इन ऑल। और एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही मायूस सैड खबर आई है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टूर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। न्यूजीलैंड बोर्ड को आज सुबह कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स मिले थे जिसकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन पीसीबी को उसी वक्त दे दी थी, और जिस वजह से दोनों टीम्स ने अपना होटल सुबह से छोड़ा नहीं था, मतलब ग्राउंड की तरफ नहीं आए थे, और ना ही जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको ये इजाज़त दी गई थी कि वो ग्राउंड में एंटर हो सकते हैं। इवन जिनके पास टिकट्स वगैरह थे वो लोगों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर अभी मैच स्टार्ट होने के कुछ देर पहले, मैच स्टार्ट टाइम के कुछ देर पहले पीसीबी के ने ये ट्वीट की है कि क्योंकि न्यूजीलैंड बोर्ड्स को ये थ्रेट्स मिले हैं तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, और हम पाकिस्तान को इस तरह का कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड बोर्ड को मिले हैं, जिस वजह से ये सीरीज न्यूजीलैंड बोर्ड की तरफ से अबंडन कर दी गई है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ही इसके पीछे है। लाइक यू कैन थिंक 18 साल बाद एक इंटरनेशनल टीम, रेप्यूटेड इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में आ रही है, तो ऑफ कोर्स इंडिया के पेट में बहुत दर्द थी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स माई जजमेंट, बट नो बडी कैन आई कैन इन पाकिस्तान विद द सेम माइंड कैन से एनी बडी अदर देन इंडिया हैज़ डन दिस। ऑफ कोर्स इंडिया हैज़ डन दिस, बट इशू ये है कि हम क्या कर सकते हैं। और ब्लैक कैप्स ने अपने जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये पोस्ट किया है, और ब्लैक उनके जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि ऑल दो कि पाकिस्तान एक बहुत वंडरफुल होस्ट रहा है और सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन करंटली हमारे प्लेयर की सिक्योरिटी जो है वो बाकी हर चीज़ से बेहतर है, मतलब ऑफ कोर्स प्रायोरिटी भी है, तो इस वजह से और एज सून एज मे बी आज ही न्यूजीलैंड की टीम वापस फ्लाई कर जाएगी। थैंक यू गाइज, दिस वॉज द न्यूज़ एंड होपफुली जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक गाइज प्लीज़, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। थैंक्स, बाय।